खबर जगदलपुर से है, जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस की राज्य में जो बड़ी जीत हासिल हुई थी, बता दें कि उसके पीछे घोषणा पत्र को भी बड़ी वजह समझा गया था। बता दें कि यही वजह है कि इस बार भाजपा कोई चांस ना लेते हुए बेहतर और आकर्षक घोषणा तैयार करने में जुटी हुई है। वहीं लोगों से फीडबैक हासिल करने की जवाबदारी युवा मोर्चा के लोगों को दी गई है। वहीं आम जनता, युवा, महिलाओं और व्यापारियों के पास जाकर उनसे फार्म भरवाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेसी ने इस पर कहा कि 15 साल सत्ता में रहते समय तो वादे पूरे करने की याद नहीं आई, अब लोगों के पास किस मुंह से जा रहे हैं। भूपेश बघेल जी जब सरकार में आए तो उन्होंने पहले ही सिद्ध कर दिया कि हमारा यह वर्तमान कार्यकाल जो रहेगा वो ग्रामीण परिवेश से ले रहेगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी ये भी सोच रही है कि भारत गांव में बसता है। उसी का प्रतिफल है कि नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी से लेकर ग्रामीण परिवेश को सुदृढ़ बनाने के लिए हमने कार्य किया। और अब जब अगला कार्यकाल आ रहा है तो उसमें एक मैसेज भूपेश बघेल ने दे दिया है युवा संवाद करके कि आने वाला कार्यकाल अब युवाओं का कार्यकाल है। छत्तीसगढ़ में युवाओं को कहीं भी पलायन करने की आवश्यकता नहीं होगी। छत्तीसगढ़ इतना मजबूत होगा कि अन्य प्रदेश के युवा छत्तीसगढ़ में आने के लिए ललायित होंगे और छत्तीसगढ़ का युवा देश और दुनिया में अपना मान सम्मान और वर्चस्व कायम करेगा। देखिए 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और ये संकल्प पत्र जारी करते थे। सनातन संस्कृति में संकल्प बहुत बड़ी चीज होती है। यदि कोई संकल्प लिया गया तो प्राण चले जाए लेकिन संकल्प नहीं टूटना चाहिए। ये एक सनातन सभ्यता है, ये हमारी एक परंपरा है। पर लेकिन अगर आप 15 साल का इनका संकल्प पत्र को देखेंगे तो पहले साल में ये 8 संकल्प लिए थे जिसमें से केवल 2 संकल्प पे ही काम कर पाए। दूसरी बार 2013 में फिर 8 संकल्प लिए, उसमें भी सिर्फ 2 विषय पे काम कर पाए जिसमें 1 रुपया किलो चावल था। तीसरी बार ये 13 संकल्प लिए, उसमें से सिर्फ कुल मिलाकर के 3 में काम कर पाए। तो 15 साल की सरकार में ये लोगों ने जो संकल्प लिया उसमें 7 ही पूरा कर पाए। और इस 15 साल में जनता ने इनसे कई बार मांग की, जनता ने कई बार अपने मन की बात कही लेकिन तब ये सुने नहीं। आज जब ये विपक्ष में है, आज इनके पास जमीन इनकी पूरी तरह से खसक गई है, तो ये आज जनता के बीच में जा रहे हैं कि वो क्या हम संकल्प बनाएं। जब सत्ता में थे तब जनता की क्यों नहीं सुध लिए, तब ये जनता की क्यों नहीं सुने? अगर वो सुन लिए होते तो शायद आज वो सरकार में होते। तो कुल मिलाकर के आह्वान पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जगदलपुर शहर की गोल बाजार पर आकर जनता से जो आने वाले चुनाव विधानसभा चुनाव के लिए जो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जो लागू करेगी और ये पार्टी की मंशा रही है वरिष्ठ हमारे संगठन के पदाधिकारियों की कि इस बार की जो घोषणा पत्र है वो जनता से की मांग पर, जनता के विचारों पर और जनता की सहमति से वो घोषणा पत्र बनाया जाए, ताकि घोषणा पत्र है उसमें जनता की सारी चीज़ें, सारे जो विषय हैं वो आ सके, ये संगठन की मंशा रही है। आज इस समय में हम जगदलपुर में और प्रदेश के पूरे जितने भी 90 विधानसभा में हैं उसमें हम छत्तीसगढ़ मन के बाद जो एक पेटी जो संगठन की तरफ से आया हुआ है उसमें हम जाकर लोगों से जो उनके सुझाव पत्र ले रहे हैं। कब से शुरू हुआ, कब तक हुआ? ये लगभग आज लगभग 10 दिन हो चुका है ये चालू हुए, लेकिन जो अभी इसकी जो अंतिम जो जो प्रारूप है वो तैयार किया जा रहा है, इसको लेकर हम आज जगदलपुर शहर पे कर रहे हैं और जगदलपुर विधानसभा के लगभग हम ग्रामीण क्षेत्रों पर भी पेटी को लेकर जाएंगे और निश्चित तौर पर यह प्रक्रिया बहुत